नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए मशहूर चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत है। पुरंदर किले पर शौर्य की आतिशबाजी करने वाले मुरारबाजी देशपांडे मराठों के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय हैं। उनके जीवन गाथा का पहला भाग कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसमें उनके प्राथमिक जीवन पर हमने प्रकाश डाला था। आज दूसरे भाग में हम उस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे जिसके वजह से मराठों का इतिहास बदल गया। दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज का बढ़ता प्रभुत्व और सूरत शहर पर मराठों का छापा, इन बातों के वजह से औरंगजेब की रातों की नींद उड़ गई। इसलिए उसने महान राजपूत योद्धा मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन भेज दिया। इस बीच अगर मुरारबाजी देशपांडे अपना शौर्य नहीं दिखाते तो शायद वर्तमान कुछ अलग होता। मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली बेचैन थी। औरंगजेब के दादा और परदादा जिस काम को अंजाम दे नहीं पाए, उसे औरंगजेब को मुमकिन करके दिखाना था। संधि और बातचीत करके मुगलों ने दक्कन की राजनीति अपने काबू में कर लिया था, पर समय के साथ दक्कन मजबूत होने लगा। बातचीत करके मुगलों की दाल गलने वाली नहीं थी। मराठों को हराना दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा था। इसलिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह के कंधों पर मराठों को हराने की जिम्मेदारी रखी। साथ में उन्हें 40,000 सैनिकों की फौज भी भेज दी। जयसिंह के साथ दिलेर खान भी अपने मंसूबे के साथ आया था। दक्कन पहुंचते ही दिलेर खान और जयसिंह के बीच आपसी मतभेद होने लगे। दिलेर खान जानता था कि मराठों की असली ताकत पहाड़ी किले में है, पर जयसिंह चाहता था कि वे पहले क्षेत्रीय गांव पर आक्रमण करेंगे। जयसिंह औधे के लिहाजा दिलेर खान से बड़ा भी था, इसलिए जयसिंह ने अपनी मनमानी करते हुए पुणे प्रांत के कई सारे इलाकों पर हमला किया, जिसके प्रत्युत्तर में मराठों ने कोई जवाब दिया नहीं। ऐसे में दिलेर खान जयसिंह से जिद करने लगा कि आप बेकार का समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसे छोटे बड़े हमले करके मराठों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी असली ताकत देखना चाहते हो तो पहाड़ों पर चढ़ो, आप हमारे साथ आओ या फिर हमें जाने की इजाज़त दो। जयसिंह ने दिलेर खान को मराठों के पहाड़ी किले पर आक्रमण करने की इजाज़त दे दी। जयसिंह इस बात से भी चिंतित था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आदिलशाही से हाथ मिलाकर बीजापुर से बड़ी फौज लाएंगे तो उनका दक्कन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात से डर कर वे कोंकण गए नहीं और पहाड़ी किले पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। दिलेर खान की पहली नज़र पुरंदर किले पर थी। अगर जावली में घुसना हो तो पुरंदर किला जीतना होगा, ये बात वो जानता था। दिलेर खान हजारों सैनिकों की फौज लेकर पुरंदर पर आक्रमण करने आ रहा है, ये देखकर मुरारबाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से बात करके किले पर ज़्यादा से ज़्यादा रसद और दारू गोला का इंतज़ाम कर लिया। पुरंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 700 मावड़ों पर थी, पर आपात स्थिति को देखकर अधिक सैनिकों की टुकड़ियां भी तैनात की गई। पुरंदर का इलाका बहुत बड़ा था, रुद्रमाल नामक छोटा किला भी वहाँ था। किले की तटबंदी भी बहुत लंबी थी। तटबंदी तथा माची के भीतर सामान्य लोगों की बस्ती भी थी। रुद्रमाल किले पर बाबाजी बोबाजी और यशवंतराव बोबाजी नाम के दो शूरवीर भाई थे। पुरंदर का इतना बड़ा इलाका जंगल तथा बुरुजों से भरा हुआ था, पर वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए दिलेर खान अपने हाथी को लेकर पुरंदर के नज़दीक पहुँच गया। दिलेर खान ने पुरंदर को एक जगह से घेर लिया और दूसरी ओर जयसिंह ने भी अपना मोर्चा सिंहगढ़ की तरफ कर लिया। उस वक्त सिंहगढ़ पर महाराज के रिश्तेदार भी थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के दोनों किले दुश्मन के निशाने पर थे। अगले पल में ही दिलेर खान की सेना ने माची तथा तटबंदी को तोड़ना शुरू किया। किले के ऊपर से मावड़ों ने जवाबी हमला करते हुए बंदूक से निशाना साधा, उसके बाद टोपे भी बरसाई गई। दिलेर खान को लगा कि पुरंदर पर सिर्फ 700-800 मराठे होंगे,
बस एक दो दिन में पुरंदर उसके कदमों में होगा, ऐसा उसे लग रहा था। पर ये मुहिम एक दो दिन नहीं बल्कि 3 से 4 महीनों तक चली। बारिश शुरू होने से पहले दिलेर खान को पुरंदर जीतना था, पर 3 महीने गुजर जाने के बाद भी मराठे हार मानने को तैयार नहीं थे। दिलेर खान ने पुरंदर के इलाके वाले पूरी दीवार तोड़ दी। पुरंदर के अंदर बसे गांव भी बर्बाद हो गए। हजारों की संख्या में मुगल सेना बिखर गई, पर महाराज ने भी रसद और दारू गोला भेजना बंद नहीं किया। आखिरकार मारों की संख्या कैसे बढ़ रही है ये दिलेर खान समझ नहीं पाया। एक तरफ उसका भी नुकसान हो रहा था और मावड़े भी अपनी जान गंवा रहे थे। यहाँ पुरंदर की लड़ाई चल रही थी तो वहाँ जयसिंह भी सिंहगढ़ को घेर कर बैठा था। बाबा जी और यशवंत राव ये दोनों भाई इस युद्ध में शौर्य दिखा रहे थे, पर दिलेर खान धीरे धीरे मुख्य किले के नज़दीक पहुँच रहा था। ये देख कर मुरारबाजी देशपांडे दिलेर खान से मुकाबला करने के लिए बाहर आए। दोनों हाथ में दंड पट्टा लेकर मुरारबाजी दुश्मन पक्ष में हाहाकार मचाने लगे। उस वक्त दिलेर खान अपने हाथी पर बैठकर तीरंदाजी से मावड़ों पर बाणों से हमला कर रहा था। मुरारबाजी का शौर्य देखकर दिलेर खान ने कहा, आप बड़े शूरवीर हो, आप हार कबूल करो और मेरे शरण में आ जाओ। इस पर मुरारबाजी ने कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ। मुरारबाजी और दिलेर खान के बीच घंघोर युद्ध हुआ। किसी भी हालत में मुरारबाजी पुरंदर छोड़ना नहीं चाहते थे, पर अचानक किसी के वार ने मुरारबाजी का सर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त मुरारबाजी देशपांडे का धड़ भी दिलेर खान पर भारी पड़ा। इस भयानक दृश्य से मुगल सेना के बीच डर का माहौल फैलने लगा। दिलेर खान को लगा कि उसने पुरंदर को जीत लिया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मराठे सेनापति के बिना भी लड़ते हैं ये बात मुगलों को पहली बार पता चली। मुरारबाजी देशपांडे अपने वतन के लिए शहीद हो गए, पर उनके मंसूबे को अन्य माड़ों ने जिंदा रखा। मुरारबाजी को मारकर भी पुरंदर किला दिलेर खान जीत नहीं पाया। इस बात से क्रोधित होकर रणभूमि पर अपनी पगड़ी उर्फ साफा सर से निकालकर दिलेर खान ने शपथ ली, जब तक मैं पुरंदर जीतूंगा नहीं तब तक साफा पहनूंगा नहीं। मुरारबाजी के देहांत के बाद भी घंघोर युद्ध चल रहा था। दिलेर खान अपने फैसले का बड़ा जिद्दी इंसान है ये महाराज को पता चला। उन्होंने और अधिक मावड़े पुरंदर के बचाव में भेजे। दिलेर खान की सेना भी कम हो रही थी, अब वो किले के बाहर भी जा नहीं सकता था। वज्रगढ़ की रखवाली कर रहे बाबा जी और यशवंत राव को पता ही नहीं था कि मुरारबाजी शहीद हो चुके हैं। दिलेर खान के अन्य सरदारों से लड़ते हुए वे दोनों भाई भी शहीद हो गए। पुरंदर तो नहीं, पर वज्रगढ़ दिलेर खान ने जीत लिया। पर दिलेर खान के नज़रों में अब भी पुरंदर था। वज्रगढ़ हाथ से निकलते ही महाराज ने एक योजना बनाई। दिलेर खान को सामने से हराने के बजाय राजनीति से हराना आसान था, इसलिए उन्होंने जयसिंह के हमले का इंतज़ार ना करते हुए जयसिंह की छावनी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मराठों के इलाके में रात को अगर दुश्मन सोएगा तो उठता नहीं, ये भय जयसिंह को सताने लगा। सिंहगढ़ को घेरना आसान था, पर आक्रमण करना मुश्किल होगा ये बात भी वो जानता था, इसलिए उसने सबसे पहले आक्रमण किया नहीं। सिंहगढ़ को घेर कर बैठेंगे तो महाराज पूरा ध्यान सिंहगढ़ पर केंद्रित करेंगे, ऐसा जयसिंह का मानना था। पर सिंहगढ़ जीतना जयसिंह के बस की बात नहीं है ये भी महाराज जानते थे, इसलिए वज्रगढ़ हारने के बाद मराठों ने जयसिंह की सेना को परेशान करना शुरू किया। इस परेशानी में जयसिंह ने दिलेर खान को पत्र लिखा जिसमें वो कहता है, तुम अगर पूरी सेना पुरंदर में बर्बाद करोगे तो आगे की रणनीति के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अगर हम चुपचाप छत्रपति शिवाजी महाराज से संधि कर लेते तो अच्छा था, वो संधि करने के लिए तैयार भी हुए थे, पर तुमने पूरे करार पर पानी फेर दिया। इस बात पर दिलेर खान ने जवाब देते हुए कहा, मैंने पुरंदर जीतने की शपथ खाई है, अब मैं हार नहीं मान सकता। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से संधि के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं पीछे हटूंगा। आप सोच रहे होंगे कि शपथ लेकर भी दिलेर खान ने पीछे हटने की बात क्यों कही होगी।
असल में बारिश शुरू होने की वजह से दिलेर खान के तोप और दारू गोला बर्बाद हो गए। दूसरी ओर मराठों के पास अब भी दारू गोला बचा था। एक समय ऐसा भी आया जब दिलेर खान ने सोचा कि वे पूरा का पूरा पुरंदर किला तोड़ देंगे, पर मराठों की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाया। इतने लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, पर मराठों ने पुरंदर छोड़ा नहीं। दिलेर खान का खत मिलते ही जयसिंह ने महाराज को दूसरा खत भेजा, जिसमें उन्होंने शांति की मांग की। इसका जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि अगर दिलेर खान वज्रगढ़ छोड़ने को तैयार है तो मैं संधि करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पुरंदर का किला जीतने के लिए दिलेर खान ने अपने प्राण की बाजी लगाई। पुरंदर की रक्षा करते हुए मुरारबाजी देशपांडे शहीद हुए। उनके गुजरने के बाद भी माड़ों ने पुरंदर अजय रखा। हर जगह लाशों का पहाड़ जमा होने के बाद भी दिलेर खान पुरंदर तोड़ नहीं पाया, और अंतिम चरण में खुद बारिश ने पुरंदर की रक्षा की। सलाम है मुरारबाजी, बाबाजी और यशवंत राव जैसे मर्द मराठा को, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर भारत भूमि को हैवानों से बचा के रखा।